अपने हमारे आर्टिस्ट हैं वो सारे बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे बातें भी कहीं इस खुशी के माहौल में, उनका दर्द भी छलक रहा है कि गवर्नमेंट को आर्टिस्टों की तरफ बहुत ध्यान देना है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, उसको जब तक हम पनपने नहीं देंगे, उसको आबियारी नहीं करेंगे, तब तक हमारी रियासत या जो भी जिस रियासत का भी कल्चर है जो पनपेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे ऑटम की तरह यानी उसमें खिजा आ जाती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे हमारा कल्चर खिजा के नज़र हो जाए, हम चाहेंगे कि इसमें बाहर आए, चार चांद लग जाए। और आज का ये प्रोग्राम उसकी अकासी कर रहा है, आपने खुद देखा, आप खुद इसके मुझे लगता है कि आपने सारा कुछ अक्स बंद कर दिया है। और हम चाहेंगे कि आर्टिस्ट दिन ब दिन दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे, और सरकार से भी हम यही इल्तिमास करेंगे कि इनकी तरफ ध्यान दे दे, और जब तक हमारा कल्चर ज़िंदा है तब तक हर कौम ज़िंदा रहता है। अगर कल्चर को कहीं पे भी रखना आ गया तो वो कौम ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहती। मोशी भाई मुश्ताक अली अहमद खान साहब और जो मेरे कोलीग बैठे हैं बिमल जी और गुलजार साहब ने जो ये जो काम किया है, जैसे गुलजार जी ने खुद कहा कि रक्षा मैम बैठी हैं इस समय और कल कोई भी हो, क्या भी इनका फील्ड हो, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पर वो एक कलाकार हैं, बुद्धिजीवी लेखक हैं और हमारी कम्युनिटी आर्टिस्ट कम्युनिटी में से एक है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैम खुद यहाँ बैठी। होती है मुझे टैगोर हॉल में जब भी मैं आता हूँ या पोडियम पर आके बोलने का मौका मिलता है। आज से तकरीबन 40 साल पहले एक डायलॉग से मेरी शुरुआत इसी स्टेज पे हुई थी, इसलिए ये स्टेज मेरे लिए मेरा मंदिर मस्जिद और श्राइन सब कुछ है। और इस स्टेज पे जब मैं ऐसे कलाकारों को देखता हूँ मेरे मतलब मेरा खून बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, दिल से मिलती है। नसीब सिंह मनाज साहब के लिए दरख्शां गाजी जी पेश करेंगे, नसीब सिंह मनाज जी के लिए ये मोमेंट हो। देखो, सबसे जो बड़ी चीज़ है, जहाँ कोरोना महामारी का सवाल है, अभी हर जगह से छोटे मोटे कार्यक्रम और गाइडलाइंस को पालन करते हुए हमने आज ये जो 3 दिन का जश्न कश्मीर प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, शाह कलंदर फोक थिएटर और जम्मू कश्मीर अकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सहयोग से, और इसमें सपोर्ट कर रहे थे हमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने ऐसे इवेंट्स का हमारा एक शौक़ है और हम ऐसे इवेंट्स बार बार करते रहते, और मैं यही चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो कलाकार है, जम्मू कश्मीर के जो आर्टिस्ट है, हमारे युवा कलाकार है, उनको एक मंच देने की एक कोशिश रहती है मेरी हर बार कि जम्मू कश्मीर के कलाकारों को एक मंच मिले और हम एक साथ एक सामने और एक दूसरे को अप्रिशिएट करें और जम्मू कश्मीर का जो हेरिटेज है, जम्मू कश्मीर की जो पहचान है, उसको हम सब प्रमोट करें। ये हमारे एक बहुत बड़े इनिशिएटिव होता है।